वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को एक जगह घुमाने लेकर जा रही हूँ, मेरे साथ आप बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी, कहीं घूमने आई हूँ, आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम बांदापाड़ी बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। सब कह रहे हैं कि बांदापाड़ी बस स्टैंड यहाँ से उठ चुका है, कहीं और मतलब सिटी चला गया है, तो मैंने भी नहीं देखा। आप लोगों के साथ मैं भी देखूंगी कि सच में यहाँ से बस स्टैंड उठ चुका है क्या, क्योंकि बचपन से ही देखते आ रही हूँ। एक जगह पर बस स्टैंड था वहीं पर, और अभी उस जगह से हट गया है। मैं भी देखूंगी, आप भी दिखाऊंगी। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको होटल शेयर करती रहूँगी। चलिए देखते हैं। स्टाइल जगह पे दशहरा के लिए गेट बनने वाला है, इसलिए ये सब तैयारी हो रही है। ये सारा रात को सारे लाइट दिखाई देगी, अगर हो सकेगा तो रात को ही सब मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग करके दिखा दूँगी। दिन में तो कुछ पता नहीं चलता। हम लोग जा रहे हैं चांडी मंदिर माँ के दर्शन करने के लिए। राइट हो गया। In 100 meters, turn right. Turn right. एक तो राइट ना भाई। राइट को। ये फोटो करें। शूटिंग हमारे सेटा बड़ी लेकिन मोटी पड़ा तो भी
अब फूलों से कैसे सजाया गया। माँ कटक चंडी की सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कि दशहरा। और दशहरा में माँ 16 रूप लेती है, 16 दिनों में अलग अलग रूप में पूजी जाती है यहाँ पे। और आज पहला दिन था जब मैं गई थी और नारायणी रूप में माँ थी, सजी थी नारायणी रूप में, और बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। पर वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं करते, शूट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, पर मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ी थोड़ी ले ली, पर दूर से इतना कैप्चर नहीं हो पाया। मैं बहुत कोशिश की पर दर्शन अच्छे से हो गया और बहुत भीड़ भी थी, तो मैं तो बहुत एंजॉय की। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही वीडियो पे बने रहो, बहुत अच्छी लगेगी। और मैं कहाँ कहाँ गई हूँ आप लोग बस देखते रहो। पास में और एक मंदिर है तो वहाँ भी मैं गई थी घूमने के लिए और माँ के दर्शन करने के लिए। कहते हैं 16 दिन में माँ कटक चंडी के एक बार दर्शन करने से बहुत पुण्य मिलता है। और ऐसे भी जो भी कटक आता है या भुवनेश्वर आता है, तो कटक तो आता ही है, तो आप लोग कटक चंडी जरूर आइए। मंदिर के अंदर ही प्रसाद का दुकान होता है, जिन्हें भोग लगाना होता है, कुछ भी लेना होता है, चुन्नी वगैरह, वो वहीं से रहते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, तो बाहर से कोई प्रसाद नहीं जाता। और कितने अच्छे से मंदिर को सजाया है आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रही थी मंदिर। यहाँ पे हाथ मुँह धोते हैं और इस जगह पे जूता रखते हैं, अपना चप्पल जो होता है उसे स्टैंड में रखते हैं, इसके बाद हाथ मुँह धो के मंदिर के अंदर जाते हैं। और ये बारावटी स्टेडियम के पास है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन दे दूंगी, कोई चाहेगा तो आ सकता है वहाँ से। पास ये और एक मंदिर है तो वहाँ भी दर्शन करने के लिए हम लोग चले गए और वहाँ माँ के दर्शन अच्छे से हो गया। जो भी चंडी मंदिर आता है वो यहाँ भी आता है और अच्छे से दर्शन करके हम लोग थोड़ी सी वहाँ आसपास घूमने चले गए थे, उसके बाद रिटर्न कर रहे थे बादामबाड़ी। इस मंदिर के लिए भी भोग की दुकान है यहाँ पर,
कोई भोग करना चाहता है, दीप देना चाहता है तो पास ही सब कुछ मिलता है। नारियल वाला भी है यहाँ पर। रात होती तो और भी सुंदर मतलब सजाया जाता है यहाँ पे, लाइट वगैरह लगी रहती है तो और अच्छे से और अच्छी लगती है रात को। और हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसके बाद हम छतिया जाएंगे और वहाँ तो बिल्कुल भी एकदम से मतलब बाहर से ही रख देते हैं फ़ोन, जो वॉच कुछ भी आप ले नहीं सकते, यहाँ तक स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं करते छतिया में, तो वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाएंगे। मंदिर बंद था छतिया, बट जगन्नाथ जी की मंदिर जो होता है वो बंद था, तो हम लोग वहीं पास एक जगह पे आ गए क्योंकि इतने टाइम क्या करेंगे, 3 बजे खुलेगा छतियावट में। हम लोग प्रसाद ले लिए वहाँ पे और इसके बाद हम आ गए, सोचा कि बाद में जाएंगे और दर्शन करेंगे। और बाद में हम 3 बजे के बाद गए और वहाँ पे जगन्नाथ जी की दर्शन भी की। इसके बाद हम अपने घर लौट। कहीं घूमने के लिए जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी व्यू भी मिलती है। वहाँ पर भी जगन्नाथ जी की दर्शन बहुत अच्छे से हो गई, अच्छा लगा, पूरा दिन अच्छा था। प्रसाद लिया ठाकुर जी की और पास ही एक जगह पर जाकर कुछ सेल्फी वेल्फी ले लिए बैठ के, और बस हो गया हमारा घूमना फिरना जो भी था। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक कर दीजिए। और जो भी चैनल पर न्यू हो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर कुकिंग वीडियो और ब्लॉगिंग वीडियो, कहीं मैं घूमने जाती हूँ तो उसकी थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर योर टाइम।